वेलकम टू हंगर हिट्स होम। आज मैं आपके साथ एक टी टाइम स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम इसे एज अ एपेटाइज़र या पार्टी स्टार्टर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ बिस्किट कैनपीज़ बना रही हूँ क्योंकि मैं इसकी टॉपिंग अंडे से बनाऊँगी। मैंने यहाँ दो अंडे उबलने के लिए रख दिए हैं। इन अंडों को हम लगभग 7 से 8 मिनट उबालेंगे। ठंडा होने पर हम इन अंडों को छील लेंगे और एक फोक की सहायता से हम इन्हें मैश करेंगे। हमने इन्हें बहुत बारीक मैश करना है। उसके बाद हम इसमें लगभग 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे। हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे बिस्किट भी सॉल्टेड हैं और हम नीचे जो सॉस लगाएंगे उसमें भी नमक है। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच मेयोनी सॉस के डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे अंडे की टॉपिंग बनकर तैयार है। मैंने यहाँ सॉल्टेड पोटैटो फ्लेवर्ड बिस्किट्स लिए हैं। अगर आपके पास प्लेन सॉल्टेड बिस्किट्स हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है। हम हर एक बिस्किट को उठा के इस पे थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। आप एक एक बिस्किट उठाइए और इस पे थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा सॉस फैलाइए। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो उसकी जगह आप केचप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर अंडे की तैयार टॉपिंग लगाएंगे। आप एक एक बिस्किट पे इसी तरह से टॉपिंग लगा दीजिए। टॉपिंग लगाने के बाद हमने एक शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक काट दिया है और उससे हम इस टॉपिंग को गार्निश करेंगे। आप गार्निश में शिमला मिर्च की जगह धनिया के पत्ते या टमाटर का टुकड़ा भी रख सकते हैं। गार्निश आप अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल हंगर हिट्स होम को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।